अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं सैनली टीवी। दोस्तों आज हम बात करेंगे, ये 40 इंच का सैमसंग का सेट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पे आपको एक ब्लैक कलर की लाइन नज़र आएगी, यहां भी ब्लैक, फिर इस तरफ से जाती है, यहां से ये आपको ब्लैक नज़र आ रही है, ठीक है। बीच में आपको ये वाइट नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आपको वाइट नज़र आ रहा होगा। तो इसके अलावा ये दो दाग नज़र आ रहे हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो दाग हैं, ये तो होते हैं पैनल को जिन नीचे सपोर्ट दी होती है पैनल के लिए, ये उसके दाग हैं, ठीक है। ये तो वो दाग वाजे नज़र आ रहे हैं, ये उनके हैं। ये दाग क्यों नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये बैक लाइट इसकी चेंज की है, इसकी ओरिजिनल वाली बैक लाइट नहीं है, ठीक है। इसकी बैक लाइट जो है वो चेंज की हुई है, जिसकी वजह से हमें ये फॉल्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपको फॉल्ट वाजे नज़र आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर ये फॉल्ट बैक लाइट के ऊपर से जो उसका मिरर होता है वो अगर रिमूव हो जाए, तो उसका फॉल्ट जो इस तरह आपको वाजे नज़र आता है, ठीक है। जैसा कि आपको ये एक दायरा नज़र आ रहा है, उसकी रोशनी यानी कि डायरेक्ट पैनल के ऊपर जब पड़ती है, तो फिर वो हमें ज़्यादा वहाँ से दाग नज़र आते हैं। अगर वो रिमूव हो जाए, तो जो बैक लाइट होती हैं उसके ऊपर जो उसके मिरर लगे होते हैं, अगर वो रिमूव हो जाए, तो फिर वो डायरेक्ट रोशनी जो है पैनल के ऊपर पड़ेगी, तो पैनल जो है फिर हमें वो वाजे दाग नज़र आएंगे जहाँ से वो रिमूव हो जाए। लेकिन ये जो रिमूव नहीं हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक एलईडी है, जिसकी बैक लाइट है वो इसकी रीजनल वाली नहीं है, इसकी बैक लाइट जो है वो बाद में ऐड की गई है, तो इसलिए ये फ़र्क हमें नज़र आ रहा है। यहाँ एक एलईडी यानी कि एक लेंथ यहाँ पर आए, फिर लेंथ यहाँ पर आए, फिर लेंथ यहाँ पर, इस तरह वो दाग जहाँ पे लेंथ इसकी नहीं है, रोशनी नहीं पड़ रही है इसकी, तो वहाँ पे हमें ब्लैक ब्लैक लाइनें नज़र आ रही हैं। इसके अलावा एक ये आपको दाग नज़र आएगा, काफ़ी सारे दाग, ख़ास तौर पे ये दाग उस वक्त नज़र आते हैं हमें जब ये वाइट स्क्रीन इसकी वाइट होती है, फिर नज़र आते हैं। अगर आप कलर में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें कोई ऐसे महसूस नहीं होगा कोई कलर, यानी कि इसका कोई भी दाग वगैरह यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। दाग इसके नज़र आएंगे जब इसकी स्क्रीन वाइट होगी, फिर इसमें वाजे नज़र आए, जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसका फॉल्ट, ये फॉल्ट है क्या, ये बैक लाइट का भी फॉल्ट नहीं है, क्योंकि बैक लाइट तो इसकी ओरिजिनल वाली नहीं है, ये बाद में इसकी ऐड की गई है, ठीक है। तो इसका फॉल्ट जो है वो हम कैसे दूर करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव करके इसके ऊपर हमें एक नया इसी 40 इंच का जो इसके ऊपर वाइट पेपर होता है, एक एक्स्ट्रा पेपर इसके ऊपर ऐड करेंगे, ठीक है। एक एक्स्ट्रा पेपर या एक ये हल होता है, या तो इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा पेपर ऐड करें, इसके अलावा अगर ये नहीं, तो फिर हमें इसके अंदर और एलईडी ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आपको ब्लैक नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक लेंथ हमको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, इसके अलावा एक लेंथ हमको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, तो फिर जाके ये हमारा फॉल्ट जो है वो दूर होगा। इस तो हम करेंगे क्या, हम इसका जो वाइट वाला पेपर है वो इसके ऊपर चेंज कर देंगे, ठीक है। इसका वाइट वाला पेपर है वो एक्स्ट्रा, यानी कि एक और एक्स्ट्रा इसके ऊपर ऐड करेंगे, जिससे हमारा फॉल्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलो इसको रिमूव कर लेते हैं, रिमूव करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको करना क्या है, वो किस तरह आप इसका एक्स्ट्रा जो वाइट पेपर है वो आप किस तरह चेंज कर सकते हैं, किस तरह नया ऐड करेंगे, वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे चलकर बताता हूँ। बहरहाल पहले इसको रिमूव कर लेते हैं, रिमूव करके इसको देखते हैं। अगर तो एलईडी की गुंजाइश है, तो फिर एलईडी हम ज़्यादा ऐड करेंगे, तो अगर एलईडी की गुंजाइश नहीं है, तो फिर हम इसका बेहतर यही होगा कि हम इसके ऊपर जो इसका वाइट पेपर है, वाइट पेपर हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। एक्स्ट्रा वाइट पेपर ऐड करने से फ़र्क ये आएगा कि शायद हो सकता है कि इसकी जो शाइनिंग है, जिसकी ब्राइटनेस है, उसमें थोड़ी सी कमी आ जाए, ठीक है। जब हम इसके ऊपर एक्स्ट्रा पेपर और एक्स्ट्रा वाइट पेपर ऐड करेंगे, तो इसकी जो शाइनिंग है, इसकी ब्राइटनेस है, उसमें थोड़ा सा फ़र्क आएगा, तो उसके फ़र्क से कोई नहीं, बहरहाल ये दाग जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, अगर हम इसके ऊपर से एक्स्ट्रा वाइट पेपर ऐड करेंगे। अगर हम इसमें एलईडी ऐड करेंगे, तो फिर दाग तो फिर भी हमें कोई ना कुछ नवाजे नज़र आएंगे यानी कि, ठीक है। तो इसलिए हमें इसके ऊपर से एक एक्स्ट्रा वाइट पेपर ऐड करना पड़ेगा। तो चलो इसको रिमूव कर लेते हैं, रिमूव करके फिर इसको देखते हैं।
जी फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने रिमूव कर दिया। इसके ऊपर देख लेते हैं, एक दो तीन पेपर पहले ऑलरेडी इसके ऊपर मौजूद हैं, एक ये दूसरा और ये तीसरा। ये इसके ऊपर ऑलरेडी तीन पेपर पहले मौजूद हैं और इसके अलावा ये नीचे वाला मोटा, ठीक है, ऑलरेडी इसके ऊपर तीन पेपर पहले से मौजूद हैं। तो हम इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा पेपर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी बैकलाइट देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी बैकलाइट। या ओरिजिनल वाली बैकलाइट इसकी नहीं है, जिसकी वजह से ये फॉल्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं ये दोबारा से बैकलाइट इसकी ऐड की गई है, इसकी ओरिजिनल वाली ऐड बैकलाइट नहीं है। बहरहाल चलो, इसके ऊपर हम इसके ऊपर एक्स्ट्रा पेपर ऐड करेंगे। एक्स्ट्रा पेपर ऐड करके फिर इसका रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं। तो जी मैंने अभी ये इसका एक पेपर ऐड किया, ठीक है, ये ऊपर वाला पेपर ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया, ठीक है। दो इसके नीचे हैं, ये देख सकते हैं, एक दो तीन, ये तीन हो गए। अभी मैं इसके ऊपर ये इसका लास्ट वाला इसका जो है वो ओरिजिनल वाला इसके ऊपर इसके लगाने लगा हूँ। ये इसके चार पेपर हो गए, ठीक है, इसके चार पेपर, एक दो तीन और चार। पहले इसके ऊपर तीन पेपर थे, अभी मैंने एक को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। तो अब इसको